ठीक हो माता, कोई दिक्कत तो नहीं? ना बस जी घट। ठीक हो पप्पू जी? हाँ ठीक हो। चलो गाइस वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। और अभी समय हो रहा है अप्रॉक्स 11:30 दिख रहा होगा आपको। तो अभी मैं जस्ट क्लासेस वगैरह अपने ख़त्म किया सैटरडे संडे का। मैं सोचा कि डेली रूटीन आपको शेयर करूं। मैं आज पूरे सैटरडे में क्या करने वाला हूं, क्या मेरा रूटीन रहता है, सब कुछ आपको बताऊंगा। तो मॉर्निंग में मैं अप्रॉक्स 7:30 के आसपास आज उठा, लेट हो गया, वॉकिंग वगैरह पे भी नहीं गया मैं। और उठ के मैं फिर नहा के 9 बजे से हमारा क्लास लगता है, 9 बजे से मैं क्लासेस करवाई, 11 बजे पूरे क्लास खत्म हुए। अभी जस्ट घर आया तो मुझे लगा एक बार ऊपर जाके देख के आऊँ यार ऊपर क्या हो रहा है, यानी कि हमारे प्लॉट पे यहाँ घर पे क्या हो रहा है। अब तो घर बन गया, प्लॉट रहा नहीं, लेंटर पड़ गया है तो प्लॉट रहा नहीं, देख के आऊँ। और यहाँ पे आके देख रहा हूँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना एक इन्होंने इसको घोड़ी कहते हैं, बेसिकली घोड़ी चौकड़ी जो भी आप कहते हो। यहाँ पे ऊपर बीम डाला था, ये बीम डाला था, तो ये बीम का ये ईंट पूरा गिर गया है यहाँ पे। देखो पता नहीं कैसे गिर गया, मुझे नहीं पता है, तो ये पूरा गिर गया है। यहाँ पे भी एक बना हुआ है, ये भी तोड़ देंगे, ये तोड़ देंगे, ये जो है सपोर्ट के लिए बेसिकली बनाया था, तो यहाँ पे भी बनाया था, ये गिर गया है। चलो कोई बात नहीं, तो अभी चलने लग गया हूँ मैं ऊपर और देखूँ एक बार ऊपर पानी वगैरह भरा है कि नहीं। हमेशा पानी भरा होना चाहिए ऐसा मिस्त्री ने कहा था, तो एक बार देख के आता हूँ। अगर नहीं है तो यहाँ पे देखो मधुमक्खी उड़ रही है भाई, काटना ले कहीं, डर भी लग रहा है। येलो वाली होती है ना, भूंड कहते हैं हम लोग यहाँ पे, आप लोग क्या कहते हो इसको? येलो कलर की मधुमक्खी टाइप की होती है ना, भूंड कहते हैं हम लोग। तो ऊपर चढ़ रहा हूँ मैं, हाँ पानी तो भरा हुआ है दोस्त, पानी तो अच्छा खासा भरा हुआ है, लौंडों ने पानी भर दिया, पानी तो बढ़िया भरा हुआ है। थोड़ा सा चलवा देंगे अभी एक बार पंप, और यहाँ पर पाइप लगा हुआ है ना, जिससे एक बार पंप चल। तो ये यहाँ से हमारा सीढ़ी चढ़ेगा, और पूरा मैं ब्लॉग दिखाऊंगा। अभी घर लगने लग गया ना, यहाँ से सीढ़ी चढ़ेगा, इसके ऊपर भी एक फ्लोर बनेगा। अभी आर्किटेक्ट से मीटिंग है मेरा तो अप्रोक्स शाम को आर्किटेक्ट आएगा और आर्किटेक्ट से मिल के आऊँगा मैं। वो पीछे रियर ओपन है, जाल छोड़ा हुआ है रोशनी वगैरह क्रॉस करने के लिए, तो आर्किटेक्ट से मिल के देखते हैं ऊपर का क्या प्लानिंग, क्या डिज़ाइनिंग बनती है। इस अभी समय हो रहा है अप्रोक्स 2:30 और 2 बजे के आसपास है दोपहर का। मैं आया हूँ एक आश्रम में, यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये किचन है, बेसिकली ये वृद्धा आश्रम है। और यहाँ पे कुछ नीड्स वगैरह थी जो बुज़ुर्ग हैं उन लोगों को, रोटी वगैरह या फिर खाना वगैरह पकाने के लिए, जिसे हम कह सकते हैं राशन वगैरह या और भी साबुन हो गया, उनकी ज़रूरत की चीज़ें जो हैं वो चीज़ें कम पड़ रही थी, तो यहाँ पे मैं आया हूँ उनकी ये ज़रूरत की चीज़ों को पूरा करने। ये बेसिकली एक हॉल है और यहाँ पे जो बुज़ुर्ग हैं वो खाना वगैरह खाते हैं, काफ़ी बढ़िया बना हुआ था मुझे दिखा। और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सारे बुज़ुर्ग जो हैं यहाँ पे खाना खाते हैं सिर्फ बोलना ठीक नहीं रहेगा, इवन यहाँ पे रह रहे हैं काफ़ी अच्छे समय से। यहाँ पे मैं आपको लेके चल रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पे बागीचा टाइप का, साफ़ सुथरा लगा मुझे, काफ़ी बढ़िया लगा। कई सारे काफ़ी एजेड है ये तो बता रहे हैं, कई सारे यहीं पे मतलब 15-15, 20-20 सालों से यहीं पे ख़त्म हो जाते हैं, यहीं पे पूरे हो जाते हैं। और यहाँ पे अगर देखेंगे तो काफ़ी सफाई इन लोगों ने रखा हुआ है, ऊपर के फ्लोर्स भी हैं, ऊपर भी फ्लोर वगैरह बने हुए। जो लाइव में आप लोग रहते हो वहाँ से थोड़े से डोनेट वगैरह हम करेंगे, जो सुपर चैट वगैरह हमें आता है वहाँ से, तो सामान वगैरह। इवन हम प्लान कर रहे हैं कि हर मंथ यहाँ पर देकर जाया करेंगे, हर मंथ हम प्लान कर रहे हैं यहाँ पर देकर जाएंगे। तो ये बेड यहाँ पे हैं, अभी कमरा टीवी रूम, अच्छा चलो क्या बात है, बहुत अच्छा। यहाँ पे टीवी वगैरह सब लगा हुआ है बुजुर्गों के लिए, बहुत अच्छी चीज़ है। और यहाँ पे खाना वगैरह खाते हैं यहाँ पे बैठे हुए हैं। ठीक हो माता, कोई दिक्कत तो नहीं? ना बस जी घट। ठीक हो पप्पू जी? हाँ ठीक हो, चलो खाओ। ठीक है जी, तो यहाँ पे फिल्टर वगैरह भी है, काफ़ी अच्छा है कि पानी गंदा ना पिए कोई, बिल्कुल साफ पानी पिए, तो फिल्टर भी लगाया हुआ है। गंदा हो गया इधर वाला, अच्छा फिल्टर, ठीक है ये फिल्टर गंदा हो गया है तो इसको हम चेंज करवा देंगे। दो ले आ देना, एक उधर भी है जी। कहाँ पे? एक रसोई में भी है, दिखा रहे हैं रसोई में भी एक फिल्टर है, ये दोनों हम चेंज करवा देंगे। तो काफ़ी सारे यहाँ पे हैं, पूरे कमरे बने, इधर भी पूरे कमरे बने हैं, वो ऑफिस है, इधर भी पूरे कमरे बने हुए हैं। हाँ ठीक है, यहाँ पे भी एक फिल्टर है, बहुत टाइम हो गया इसको बाहर से, नहीं मैं करवा देता हूँ इसको। ठीक है, गीजर भी लगा हुआ है, क्या बात है, चलो। बाथरूम वगैरह सबके कॉमन है? हाँ
अंदर ही है, कमरे के साथ अटैच है। ठीक है ठीक है, क्या बात है, कमरे के साथ बाथरूम अटैच। तो जो सेवा वगैरह आता है वो, तो यहाँ पे हमने सोचा हम भी सेवा करते हैं। ये पूरा खाना खाने के लिए है, काफी बढ़िया। ऊपर भी बना हुआ है क्या? ऊपर भी है क्या? दो मंजिला है। दो मंजिला, अच्छा ठीक है, दो मंजिला है। कपड़े कुपड़े वहाँ सूख रहे हैं, काफी बढ़िया। चलो ठीक है, हाँ हाँ हाँ, चलो ठीक है जी, थैंक यू। मैं अभी पहुँचवा रहा हूँ इसको। ठीक है, चलो यार सामान सामान पहुँचवाते हैं। दो फिल्टर, वो काफ़ी गंदा हो गया, वो तो पर बीमार करेगा वो, तो ये काफ़ी गंदा हो गया, इसको भी नया लगवाते हैं। फाइनली मैं यहाँ पे आश्रम में आ गया था, और यहाँ पे सामान सामान कुछ देने वाले थे, वो मैंने दे दिए थे। और ये जो मैंने जो भी किया है यहाँ पे, ये कुछ भी यहाँ पे मेरा क्रेडिट नहीं है। आप लोग जो भी लाइव में रहते हो मेरे साथ, और वहाँ से मुझे जो अर्निंग्स आती हैं, जो कमाई होती है, उसकी थोड़े से हिस्से मैं कभी लुधियाना में, कभी कहीं पे, कभी किसी आश्रम में कर देता हूँ। बट आज मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, लास्ट मुझे याद है एक दिन हमारे काफ़ी ज़्यादा सुपर चैट आए थे, तो वहाँ पे लोग बहुत कुछ कह रहे थे कि सर आपकी कमाई बड़ी ज़्यादा हो गई है। तो मैं इसलिए ये बना दिया कि ये एक्चुअल में मैं कर देता हूँ, मैं अपने पास रखता नहीं हूँ वो चीज़ें। और लुधियाना में लास्ट हमने कंबल कुंबल भी दिए थे, आप लोगों को पता ही है, वीडियोज़ वगैरह पड़ी हुई है, मैं डाल भी दूंगा आई बटन में, आप लोग देखिएगा। तो सामान ले आए हैं फिल्टर वगैरह के लिए, कल मैकेनिक आ जाएगा, वो सारा जो है वो करवा देंगे हम। बाकी यहाँ पर आश्रम में हैं हम, काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी शांति है, काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे। लोड में दस दियो, हाँ जी, अच्छे चीनी चूनी सारा लाता है, जो कोई भी लोड में और दस दियो। चलो ठीक है, नंबर आ गया थोड़े को, कोई भी जरूरत हो दस दियो। ठीक है जी, चलो चलो गुगू पचका है, वॉच कहाँ है? ओ ओ, मक्खी 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 आ गई, मक्खी आ गई, मक्खी मक्खी यहाँ यहाँ, ये देखो इधर 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 इधर, भाग गई जा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, और देखो क्या लग गया अभी, आश्रम से, आश्रम से आया ना, आश्रम का लगा हुआ आटा उटा लग गया। वॉच कहाँ पर, वॉच कहाँ है? चलिए चलिए ले ली, खुक बढ़िया लग रहा है, चेन कट जाएगा ना? हाँ जी, नहीं कटेगा नहीं, ऐसे ही कट जाएगा। अच्छा, यहाँ पे यहाँ पे ये मैं ये क्या कर रहा है, ये क्या, अच्छा ये क्या, अलेक्सा गुगु गुगु अगेन 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 देखो भाई, पूरा पढ़ लिया ये, अक्षर अक्षर पहचानने लग गया है। अच्छा ये वाला पढ़ लोगे, ये क्या लिखा है, देखो 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 देखो, युवान युवान नो 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 ई आर एस थोड़ा थोड़ा पहचान लगा, लेकिन इस उसको ये लेट है, और पहले पहचानना चाहिए था, ये लेट है। तो सारा कुछ यहाँ पे करने के बाद, घूमने फिरने के बाद हम आ गए फाइनली कुछ खाने, और यहाँ पे गुगू जो है अपने रेगुलर काम में लग गया, और मैडम ने ये लिया है वर्साचे का, और देखा ही आपने अंदर शोरूम में देखा आपने, ये है डब्बा, काफ़ी खतरनाक लगा मेरे को डब्बा, काफ़ी खतरनाक लगा मेरे को, मैं आपको निकाल के दिखा रहा हूँ इसका डब्बा जो लगा ना, वो मुझे अल्टीमेट लगा, बाकी तो ऐसे ही है, ये
ये डब्बा देखो आप, डब्बा आप लोगों ने देखा नहीं वहाँ पे, तो डब्बा काफ़ी ख़तरनाक लगा मुझे ये। ओ हो, डब्बे का ही वैल्यू है मुझे तो लग रहा है। तो यार मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं एक आज का अपना पूरा जो मेरा मतलब सारा दिन किस तरह से बीतता है मैं वो दिखाऊंगा, तो यही कुछ किया आज मैं सारा दिन। मतलब एक बार बाहर गया, घूम फिर के आया, खन्ने जाके आया वहाँ पे, फिर अपना एक मैं बीच में ऐड नहीं किया। आज मैंने क्या किया, मेरी मदर इन लॉ का जो ऑपरेशन हुआ था उनके जो टांके लगे स्टिचेस लगे थे वो कट करवाने गया था, वो मैंने ऐड नहीं किया। बाकी सारा दिन मेरा यही रहा है, बीच में कुछ शॉर्ट्स वगैरह बनाए हैं। ठीक है भाई, ख़त्म करते हैं इस ब्लॉग को, मिलते हैं फिर से एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।